अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फातिमा इन द किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पर बिरयानी मसाला। यूजली जो बाज़ार का बिरयानी मसाला होता है उसका टेस्ट अच्छा होता है, मगर जो आप घर पे बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो जिसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ पैन, और इसमें मैंने शामिल कर दी हैं साबुत लाल मिर्चें, और उसमें शामिल कर रही हूँ बदियान के फूल, थोड़ी सी बड़ी इलायची, जायफल, दालचीनी, काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ, थोड़े से लौंग, छोटी इलायची, जीरा साबुत शामिल कर देंगे और साबुत धनिया। अब इन चीज़ों को आपने 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। रोस्ट होने के बाद इसे हम निकाल कर इसमें हम दूसरे मसाले भी शामिल करेंगे। मसाले रोस्ट हो गए हैं, इसे मैं निकालूंगी, इसे ब्लेंडर जार में डाल रही हूँ। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और तेज़पत्ता। इसके बाद इस मसाले को हम ब्लेंड कर लेंगे, 4 से 5 मिनट ब्लेंड कीजिएगा इसे। मसाला हमारा ब्लेंड हो गया, इसमें थोड़े से मसाले और शामिल करेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 साबुत इलायची छोटी वाली और लौंग। इसी के साथ थोड़े से तेज पत्ते तोड़कर, और आखिर में 4 से 5 आलू बुखारा डालकर इसको मिक्स कर लें। ये देखें, घर पर बिरयानी मसाला तैयार है। बकरा ईद आने वाली है, ये रेसिपी आपको बहुत हेल्प करेगी, और अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और नीचे कमेंट करके भी बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।